आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। मंडला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंजनिया में एक महिला ने 5 किलो 100 ग्राम वजनी बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि मां और बच्ची सुरक्षित है। यह मंडला जिले के लिए पहला मामला बताया जा रहा है। प्रसव के लिए महिला रक्षा कुशवाहा को अंजनिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने पाया कि महिला के प्रसव का समय ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर मामला समझकर उसका उपचार किया। करीब एक घंटे बाद इस महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अभी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। डॉक्टर का मानना है इस तरह केसेस बहुत ही कम देखने सुनने को मिलते हैं। इस तरह के केसेस मेडिकल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही देखने मिलते हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद माँ बेहद खुश, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि मंडला जिले के लिए यह पहला केस है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी से 5 किलो 100 ग्राम वजनी बच्ची जन्म ली। इस मामले की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं है। सुप्रीम पावर के लिए मंडला जिले से परिचय प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, श्रीमती रक्षा कुशवाहा, वाइफ ऑफ किशन कुशवाहा, डिलीवरी के लेके आए प्राथमिक स्वास्थ्य इंजीनियर 29 तारीख को प्रातः 9:10 पे, और जांच दौरान पाया गया कि वो हाई रिस्क डिलीवरी है। बच्चे का वजन संभावित ज़्यादा लग रहा था और थोड़ा पोस्ट डेटेड थी, अपने समय से बढ़ गया था, जो नॉर्मल प्रसव होना चाहिए उस डेट से ज़्यादा समय बीत चुका था। लेकिन हालात ऐसे थे कि तत्काल में उनको अपनी सेवाएं देना था, तो हम लोगों ने उसको तुरंत जो है डिलीवरी के लिए पूरा उसमें जो भी था हमने उसे प्रयास किया और डिलीवरी हो गई 10:10 पे, एक घंटे बाद ही। और माँ और बच्चे दोनों नॉर्मल थे। आश्चर्य की बात ये लगी कि इतना बेबी का वेट होने के बाद, 5 किलो 100 ग्राम होने के बाद भी बेबी एकदम नॉर्मल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं थी कल और अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। सर, मंडला ज़िले में इस तरह के केसेस पहले सुनने देखने मिले हैं सर? हम तो बहुत कम सुने हैं क्योंकि इस तरह की जो हाई रिस्क डिलीवरी होती है, हाई रिस्क इसलिए बोलेंगे कि माँ का वेट भी ज़्यादा था और दूसरा ये कि बेबी का वेट भी संभावित ज़्यादा लग रहा था उस समय जांच के दौरान। तो ऐसे हमने बहुत कम सुना कि इस लेवल प्राथमिक लेवल पे जो है ऐसी डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। खासकर अक्सर ये मेडिकल कॉलेज या फिर जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और मेरी 19 तारीख की डेट थी वो भी निकल चुकी थी और फिर उसका टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, तो फिर हम मंडला ना जाके, जब मेरे को पेन हुआ, 2 दिन पहले से पानी भी जा रहा था तो पानी निकल जाने कारण बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है। इस हिसाब से फिर हम यहाँ अंजनिया के हॉस्पिटल आए सुबह, जब कल पेन आया तो फिर उस हिसाब से अगर पानी निकल जाता है और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होती है, तो इस हिसाब से मैंने सजेशन किया मैडम वगैरह से सलाह लेके कि हम यहीं अंजनिया में ही डिलीवरी कराएंगे, और उनने सब बढ़िया हैंडल भी किया, सब अच्छा मैनेज हो गया। कैसा लगा आपको बच्ची है, अद्भुत बच्ची है? अब अद्भुत बच्ची, वो 8 बाजूबा होगी, इस हिसाब से खुशी हो रही है, अच्छा है। उसने आते ही अपने नाम रोशन कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम रक्षा कुशवाहा है।